और अपनी पूरी निष्ठा के साथ अच्छे से ड्यूटी करते हैं। भी हैं तो वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है और जजेस हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। दिल्ली में बुलंद कुछ नहीं बचा, न इंसानियत, न ईमान, न भाईचारे का पैगाम। पुलिस और वकील की लड़ाई से बढ़ते हुए बवाल ने सब कुछ खाक कर दिया। एक तरफ दंगाई के मंसूबे ने पुलिस को पीट पीट कर अधमरा कर दिया, इसलिए पुलिस पूछ रही है गम। हम इंतजार में है, इंसाफ की तारीख भी मुकर्रर होनी चाहिए। बीते कल हुआ क्या, दिल्ली पुलिस सड़कों पर उतर आए। जो पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए आधी रात ड्यूटी पर तैनात रहती है, बीबी बच्चों को छोड़कर चौकी पर तैनात रहती है, लोगों का सुरक्षा का इंतजाम करती है, वो हो रहे आपस में लड़ाई को सुलझाती है, लेकिन वही पुलिस कल दिल्ली की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही थी। साहब, अब तो आपको शर्म आनी चाहिए, लोगों से मुंह नहीं दिखाना चाहिए, चुनाव में सेना पर सियासत नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल दिल्ली की पुलिस सड़कों पर उतरी हुई थी। मैं संजय सोम। समस्याएं हमारी अभी नहीं हुई, रिसेंटली बहुत पुरानी है, लेकिन हम लोग डिसिप्लिन फोर्स से जुड़े हुए हैं। हमारा जो प्रायोरिटी है, जो हमारा फर्स्ट मोटिव रहता है, वो है दिल्ली पुलिस पब्लिक की सिक्योरिटी करना, उन्हें पूरी बेहतर कानून व्यवस्था के साथ में सुचारू रूप से जो भी सुविधाएं दे सकते हैं हम देते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक तरफ दिल्ली हेडक्वार्टर पर पुलिस धावा बोल रही थी, दूसरी तरफ इंडिया गेट पर उसकी फैमिली भी प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन साहब का कारनामा देखिए, वोट लेने पर सेना पर सियासत करते हैं, चुनाव में पुलवामा जैसे हमले का जिक्र करते हैं, लेकिन वही पुलिस सड़कों पर उतर आए तो किसी नेता या अधिकारी पूछने तक नहीं आते हैं। लो साहब, अब आपके शहर भी सवालों के घेरे में है। कोर्ट में होते हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी सिक्योरिटी पर्पस है, हमारा कोई पर्सनल वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। हम लोग अगर किसी जगह पर रहते भी हैं तो वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है और जजेस हैं। आप लोग जो एविडेंस के लिए जाते हैं लोग और जितने भी एडवोकेट्स होते हैं उनकी जो सिक्योरिटी है, सिर्फ उसी के लिए हम वहाँ पर डिप्यूट होते हैं। दिल्ली में पुलिस और वकीलों का विवाद बढ़ता जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जवानों के धरने के बाद आज वकील हंगामा कर रहे हैं। रोहिणी कोर्ट के बाहर वकील प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वकीलों ने न्याय की मांग की है। प्रदर्शन के साथ ही दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल जारी है। यह हड़ताल 30 हजारी कोर्ट में हिंसा के बाद शुरू हुई थी। वकीलों और पुलिस के बीच विवाद मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया था। 30 हजारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच हुआ विवाद अभी थमा नहीं है, जोर शोर से चल रहा है। मंगलवार को दिल्ली पुलिस के जवानों ने पुलिस हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किया है। अब इसी को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल पटनायक को लीगल नोटिस भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट में वकील वरुण ठाकुर ने इस मामले में लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें लिखा गया है कि पुलिस के आला अधिकारियों ने वकीलों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए हैं। अब आपको एक कड़वी सच्चाई बताते हैं। काले कोट और खाकी की लड़ाई को लेकर लोग सोशल मीडिया पर आपत्ति जता रहे हैं। दिल्ली पुलिस और वकील के विवाद पर पांडिचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि अधिकार और उत्तरदायित्व का एक ही सिक्के के दो पहलू है, नागरिकों को इसे नहीं भूलना चाहिए। हम जो भी हो और कहां भी हो, अगर हम सभी कानून का पालन करते हैं तो कोई विवाद नहीं होता। वही बेनजीर हिना ने अपने FB वॉल पर लिखती हुई कहती है कि ये तस्वीरें गौर से देखिए, जब आम जनता जब धरना प्रदर्शन करती है तब पुलिस उन पे लाठियां बरसाती है, वाटर कैनन और टियर वायर गैस का प्रयोग करती है, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा जाता। आज दिल्ली में पुलिस खुद धरने पर बैठी है, बताओ फिर आम जनता को क्या करना चाहिए। अब जरा खुद ही सोचिए, लोकतंत्र किस तरफ से दलदल में धंसता जा रहा है। आप सोचकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो नेशनल इंडिया न्यूज़ के पेज को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो नेशनल इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।